देवों के देव महादेव जैसे अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, वैसे ही उनके भक्त भी होते हैं। इसी की मिसाल कानपुर के सगे भाई इरशाद और शमशाद हैं। कानपुर के रहने वाले खुदा के ये दोनों बंदे बाबा अमरनाथ के दर्शन को पहुंच रहे भक्तों की सेवा में दिन रात बिना किसी भेदभाव के लगे हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा की इच्छा लेकर सगे भाई इरशाद और शमशाद खुद से कानपुर की शिव सेवक समिति के पास गए थे। दरअसल कानपुर की शिव सेवक समिति के सदस्य हर साल बाबा अमरनाथ के भक्तों की सेवा के लिए बाल टाल जाते हैं, साथ में लंगर का सामान भी लेकर जाते हैं। इस बार भक्तों को लाने ले जाने के लिए कानपुर से 5 ई रिक्शा वहां भेजे गए हैं। समिति के महासचिव शीलू वर्मा के अनुसार अब की सामान भेजने की बारी आई तो लोडर चलाने वाले इरशाद खुद उनके पास आए और अमरनाथ जाने की इच्छा जताई। उनके साथ भाई शमशाद भी लोडर से सामान लेकर अमरनाथ तक गए और इसके बदले में किराया सिर्फ उतना लिया जितना खर्च आया। आश्चर्य की बात यह है कि बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद दोनों भाइयों का मन बदल गया और सेवा के समिति के लिए सदस्यों के साथ वहीं रहने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए और फिर सेवा में लग गए। शहर में लोडर चलाकर अपनी रोजी रोटी जुटाने वाले जूही गढ़ा निवासी इरशाद और शमशाद अब 18 जून से बाल टाल शिविर में ही हैं। लोडर भी वहां खड़ा है जिसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलना है। दोनों भाई शहर से गए 5 ई रिक्शा में से 2 चलाते हैं। इससे भक्तों को बराड़ी मार्ग से 2.5 किलोमीटर तक ले जाते हैं। अब तो उनकी सेवा को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने सेवादार का कार्ड भी उनका जारी कर दिया है। फोन पर इरशाद ने बताया कि भक्तों को जब ई रिक्शा से छोड़ते हैं तो उसके आगे ज्ञानगिरी आश्रम से गुफा के रास्ते में बड़ी संख्या लोग लड़खड़ाते नजर आते हैं, उन्हें सहारा देना पड़ता है। ऐसे करीब 180 बुजुर्गों, दिव्यांगों और चल पाने में असमर्थ भक्तों को दोनों भाई रोज सहारा देते हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि बाबा की बड़ी महिमा सुनी थी, इससे ठाना कि इस बार दर्शन करने जरूर जाऊंगा। सामान पहुंचाने के बहाने ये मौका भी मिल गया। यहाँ आकर लगा कि इंसानियत की सेवा भी कर लेनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। जब खुदा अपने बंदों में कोई फर्क नहीं करता तो भला हम क्यों करें। अमरनाथ में बादल फटने के बाद पैदा हुए हालात में दोनों लगातार बिना सोए रात दिन श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। इरशाद के वालिद का निधन हो गया है। माँ मुन्नी जूही सब्जी मंडी के पास सब्जी की दुकान लगाती है। इरशाद और शमशाद का कहना है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मंदिरों के सामने भी मत्था टेकते हैं, मजार पर सलाम करने से भी नहीं चूकते। बहुत कुरेदने पर इरशाद ने बताया कि पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 4 साल पहले वह एक ट्रैवल एजेंसी की टैक्सी चलाते थे, तब एक बुजुर्ग महिला उनकी कार से बेटे और बहू के साथ पूर्णागिरी दर्शन को गई थी। बुजुर्ग महिला चल नहीं पा रही थी तो उन्हें पीठ पर लादकर देवी के दरबार तक ले गए, खुद भी माँ के दर्शन किए जिससे उन्हें सुकून मिला।